शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तुझको पता है ये इश्क क्या है, मंजिल धड़कन की मंजिल गुमसुम सदा है, रब की दुआ है। को पता है ये इश्क क्या है, जगा के जज्बात के एहसास को बहका गया।
शिकायत है, शिकवा भी है, यकीन है तो धोखा भी है। बड़ा जालिम इसका जुनून, नहीं मिलता इसमें सुकून। तुझको पता है ये इश्क क्या है। आलम कितना हसीं था, बोले बिना हर बात के इजहार का। खुशी है तो रंजिश भी है, मिलन है तो बंदिश भी है। पागल मेरे दिल, तुझको पता है ये इश्क क्या है। मंजिल धड़कन की मंजिल, गुमसुम सदा है, रब की दुआ है। गुड मॉर्निंग सोफिया। गुड मॉर्निंग मिसेस गोम्स। नो, आज मैं फिर लेट हो गई। ये अलार्म को भी बचता क्यों नहीं है? करण कहाँ है? ऑफिस। ऑफिस? कब गए? साहब सुबह जल्दी उठकर चले गए। करण इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हैं? किसी अलार्म से? ये आपको तो नहीं उठा पाती, लेकिन बाजू के रूम में साहब को उठा देती है। आज फिर से लेट हो गई। पता है मैनेजर कितना गुस्से में है? डोंट वरी, मैं मना लूंगी। समडे शी विल बी फायर्ड। यू आर राइट, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। यस मैम। वन चिकन बर्गर प्लीज। श्योर मैम, वन चिकन बर्गर। बाय, टेक केयर। बाय। आई एम अर्ली बियॉन्ड टाइम। या You smell delicious. तुम्हें खा जाने को दिल करता है। अगर 10 मिनट में शार नहीं लिया तो I'll die. तुम्हारा मतलब हमें पहले घर जाना पड़ेगा? You mean हमें कहीं और भी जाना? Have a pleasant evening, sir. Thank you. You too, ma'am. Thank you. शायद यूं उठाने से इसका टेस्ट कुछ अलग आएगा। Cheers.
कारण कभी कभी मुझे अपनी रिलेशनशिप बहुत फिल्मी लगती है। अब देखो ना, तुम रिचि रिच का है और मैं पोअर लिटिल गर्ल। तुम्हें लगता है इस रिश्ते का कोई हैप्पी एंड है? फिल्मों में तो होता है, लेकिन ये रियल लाइफ है। लाइफ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। चीयर्स। What a masterpiece. You know, Sophia, Satyajit Ray was a genius director. उन्होंने इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाया था। उनकी फिल्मों में कल्पना और हकीकत का मेल बहुत अच्छा होता था, जस्ट लाइक रियल लाइफ। तुम सो रही हो? अगर कल सुबह टाइम से बर्गर किंग नहीं पहुंची तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। That's real life. Good night. Good night. मुझे आज ही सैलरी मिली है, इस मंथ का रेंट। Don't be silly. क्या हम ये किराए देने का सिस्टम बंद नहीं कर सकते? Deal is a deal. गुड मॉर्निंग डार्लिंग। मिसेस गोम्स का उनका आज ऑफ है, तो मैंने सोचा क्यों ना नाश्ते में तुम्हारे लिए करंट स्पेशल बनाया जाए, मसाला ऑमलेट। यू आर अ डार्लिंग। क्या देख रहे हो? अपना फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ देखा? तुम 60 की, मैं 65 का। हम दोनों डेंटिस्ट के यहाँ अपने नकली दांत बनवाने आए। लेकिन ये नजर नहीं आ रहा कि तुमने अपना नाम मिसेस करण लिखवाया है या कुछ और। चलो आज ये भी क्लियर कर देते हैं। सोफिया, मैं अपने पोतों को तुम्हारी जैसी प्यारी दादी देना चाहता हूं। हालांकि हम एक दूसरे को 6 महीने से जानते हैं, लेकिन एक बात मुझे तुमसे 5 महीने 29 दिन पहले कह देनी चाहिए थी। Will you marry me? I will. I love you. I love you too. सीरी चेंज कर। हाँ करता हूँ। कब सीखेगा तू सीरी चेंज करना? अरे ला मुझे दे। हेलो सर। हाय। डू यू हैव अ रिजर्वेशन? हाँ, रॉनी के नाम पर रिजर्वेशन है। ओके। Oh yes, आइए। कम। आइए। तू अपने फियांसी को लेकर नहीं आई? ये पार्टी फाइनेंस हो जाती ना? कितना मजा आता? इसे डर होगा कि करण कहीं मुझे देख लेता तो इसे रिजेक्ट कर देता। तुझसे क्यों डरने लगी? मेरा तो बॉयफ्रेंड है ना? मेरा ब्रेकअप हो गया है। क्यों? उसने कोई ऐसी वैसी बात कर दी क्या? उसने शादी की बात की। अच्छा सोफिया, सिर्फ एंगेजमेंट पार्टी देने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें एक बात भी बतानी होगी। कौन सी बात? कि
तुमने इतने बड़े मिलियनेयर को कैसे पटाया? For your kind information, इसने करण को नहीं पटाया, बल्कि करण ने सोफिया को पटाया। क्यों सोफिया? Whatever. मुझे खुशी तो इस बात की है कि इसे बहुत अच्छा हस्बैंड मिला। Tall, good looking and millionaire. Cheers! So dude, finally your dreams are going to materialize, huh? All the credit goes to Sophia, my friend. Sophia meri zindagi mein nahi aati, to mera pata nahi kya hota. All the best. Cheers. Main soch rahi hu ki main bhi kisi karodpati ko pata hi lu. Agar ek karodpati na mile to 100 lakh patiyon ko pata lena. Total to same hota hai. What a baby. Kya smile hai. Kya style hai. Amazing. मुझे तो तीनों की तीनों बॉम्ब लग रही है यार, जरा सा सुलगाओ। कमाल पड़ेंगे यार। अबे धीरे बोल, कहीं सुन लिया ना तो हमें यहाँ से फूटना पड़ेगा। हाँ, पागल कहीं। Ladies and gentlemen, can I have a few moments of your time, please? आज हमारे साथ हैं मिस सोफिया, जो यहाँ अपनी एंगेजमेंट सेलिब्रेट करने आई हैं। She's going to get married soon. Young lady. इजिप्ट में ऐसे ओकेजन के लिए एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है, उसमें जिस लड़की की शादी होने वाली हो वो अपनी पसंद के किसी भी लड़के के साथ एक आखिरी बार डांस करती है। Wow. A last dance in her unmarried life. तो कहिए आप किसके साथ डांस करना चाहेंगी? Except me. नहीं नहीं, I can't dance. Come on, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हाँ सोफिया, शादी के बाद तो पति के इशारे पर नाचना ही है ना, आज किसी और को अपने इशारे पर नचा लेना प्लीज। Come on, सोफिया। अरे go baba, go for it, just do it. It will bring you luck in your married life. Yeah. Come on, choose your partner. Come on, सोफिया, come on. Gentlemen, Sophia ने अपना डांस पार्टनर सिलेक्ट कर लिया है एंड ही इज द लकी मैन। Come on, dude, make a move. पहली चाल में इतना क्या सोचना? पूरी गेम पहली चाल पे डिपेंड करती है। बेताब है ओ जो
बातें दिल तो ना कह सका। थोड़ी सी स्वेलिंग है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, जरूर उसने डांस करने के बहाने तुम्हें छेड़ा होगा और तुमने गुस्से में उसे मार दिया होगा। सोफिया, तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। तुम्हारा यह गुस्सा तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकता है जो मैं नहीं चाहता। सोफिया, तुम्हें जरा से भी तकलीफ होती है तो मैं परेशान हो जाता हूं। तुम इस निशान की प्लास्टिक सर्जरी क्यों नहीं करा लेती? कुछ निशान जरूरी होते हैं गाइडेंस के लिए।
ऑर्डर सर। यस प्लीज, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? वन लंच डेट विथ यू। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ काम करती हूँ? बाप ने तुम्हारे एक फ्रेंड ने बताया। Hey, hey, hey! Excuse me. Where are you going? Excuse me. अरे क्या हुआ, तुम इस तरह भाग क्यों रही हो? I'm engaged. मेरी शादी होने वाली। हाँ, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ वो उनका रिवाज था, मुझे करना पड़ा। मैं बस यही पूछना चाहता था कि क्या कल तुमने वही महसूस किया जो मैंने किया? मैंने तुमसे कहा ना मेरी शादी होने वाली, इसलिए तो आया हूँ। तुम अपनी सारी जिंदगी अपने हस्बैंड के साथ बिताओगी, क्या मेरे साथ कुछ पल नहीं बिता सकते शादी से पहले? That's impossible. एक लंच? नहीं। कॉफी? No. नींबू पानी? नहीं। सादा पानी? I said no. अरे हम एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, प्लीज हम अलग अलग टेबल्स पर भी बैठेंगे, मैं इस कोने पर तुम उस कोने पर, हम एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। कभी तुम्हें मुझ पर तरस आए तो बस दूर से हाथ वेव कर लेना, मैं बिल भर दूंगा। ये तुम मुझे शूट क्यों कर रहे हो? इन केस कल तुम ना मिलो। करे, मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। लेकिन मैं होटल ब्लूज में कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं आऊंगी। हाय रोहित। क्या हुआ, तुम मिले उससे? हाँ। बात कहाँ तक आगे बढ़ी? फोन नंबर लिया उसका? नहीं, उसने दिया नहीं। एक्चुअली उसने दोबारा मिलने से भी इनकार कर दिया, लेकिन मैं What? और तुम चले आए? ऐसे तो हमारा काम ही नहीं होगा। रोहित, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश से काम नहीं चलेगा, आई वॉन्ट रिजल्ट्स एंड आई वॉन्ट देम फास्ट। कौन है? हेलो, फुल फोर्स में चल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो 2-3 महीने में वी विल बी रेडी। डोंट वरी, डिस्ट्रीब्यूट आप ही करेंगे। ओके, बाय। क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों? कुछ नहीं। झूठ बोलना हो तो आंखें बंद कर लिया करो, क्योंकि वो सच बोलती हैं। नाउ टेल मी, प्रॉब्लम क्या है? करण, कल जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो मुझे कोई फॉलो कर रहा था। मुझे लगता है राकेश यहाँ भी आ गया है। राकेश तो गोवा की जेल में है, तुमने तो कहा था उसे 3 साल की सजा हुई है। ये तुम्हारा वहम है। नहीं, वहां कोई था, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई मेरा पीछा कर रहा था। कहीं ये वो लड़का तो नहीं जिसने उस रात तुम्हारे साथ डांस किया था?
नहीं, वो नहीं हो सकता। शायद ये मेरा वहम है। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दोस्त, आज मेरी डेट है तो जल्दी से कुछ फ्रेश फ्लावर्स या ऐसा कुछ मिल सकता है? श्योर सर। थैंक यू। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। अरे ओ टाइसन, ये नॉकआउट पंच देने का रीजन तो बताओगी? कल रात तो मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे? फॉलो? मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूंगा? अरे लोग मुझे फॉलो करते हैं यार, उधारी वाले। अरे मैडम, रेस्टोरेंट उस तरफ है, हमारी लंच डेट अभी भी पेंडिंग है। कोई एक रीजन बताओ जिसके लिए मैं डेट के लिए हाँ बोलूं। क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। कमाल है, दो दिन में तुम्हें मुझसे प्यार भी हो गया। कमाल ये नहीं कि प्यार हुआ, कमाल ये है कि मैंने कह भी दिया। अच्छा, तो बताओ मेरी आंखों का कलर क्या है? पब में जब तुम्हें पहली बार देखा तो तुम्हारी आंखों का रंग कॉफी ब्राउन था, फिर जब दूसरी बार देखा बर्गर किंग में तो डार्क ब्राउन लग रही थी, पर जब तुम हंसती हो ना तो डार्क ब्राउन में एक सिल्वर शेड आ जाता है, और बाप रे बाप जब तुम गुस्सा करती हो तो ट्रैफिक सिग्नल जैसा लाल हो जाती है। बातें इंप्रेसिव करते हो। कमिया, चलो मेडिकल स्टोर चले। अरे काश तुमने यहाँ के बजाय यहाँ मारा होता। चलो, you know, कल तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई। क्या बात कर रहे हो? अरे तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो भी कोई जॉब थी? ऐसी जॉब को मैं ठोकर भी नहीं मारूं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर हो। तुम क्या करते हो? एक्टर हूँ मैं, फिलहाल जॉबलेस हूँ, लेकिन बेकारी को भी अच्छी तरह से मैनेज कर लेता हूँ मैं। लंच अगर लंच टाइम पे हो जाए तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलो चलते, आज तुम जहाँ कहोगी वहाँ ले जाऊंगा। अच्छा, अरे हयात, हाँ खाना अच्छा मिलता है, चलो चलो। रेस्टोरेंट तो लॉबी में, तुम मुझे लिफ्ट में कहाँ ले जा रहे हो? डोंट वरी बाबा, पहली मुलाकात में मैं कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। जब भी मेरा जेब खाली होता है ना, मैं ऐसी बड़ी बड़ी होटल्स में खाना खाता हूँ। मतलब? Just wait and watch. Hello, room service? Yes, sir. Hi, I'm calling from 2306. Can you take my order for lunch, please? Yes, sir. We'll have one salad, one smoked salmon, and one vegetable pasta. That be all, sir? Yeah, and can you send one bottle of red wine to that, please? Yes, sir. Thank you. One second. Sweetheart, dessert mein kya logi? Kuch nahi? Okay. Wo, black forest cake. And one black forest cake, please. थैंक यू, एंड वी आर गोइंग फॉर अ बाथ नाउ, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। वेटर को बोल देना कि खाना दरवाजे के बाहर रखते। ओके सर। थैंक यू। हाउ इज दैट? थोड़ा सा रेड वाइन। हयात में मैंने पहले भी खाना खाया है,
लेकिन इस तरह से बिना फॉर्मेलिटी के बैठना, खाना खाना, बातें करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें ये सब आइडिया कहाँ से आया? मैंने बहुत सारे होटलों में काम किया और कई बार इसी वजह से निकाला भी गया। For your kind information, 6 महीने में मैं भी 12 जॉब बदल चुकी हूँ। By the way, मेरा नाम सोफिया है और लोग मुझे प्यार से सोफी कहते हैं। मेरा नाम विकी है और लोग मुझे प्यार से विकी कहते हैं। It's a pleasure meeting you, विकी। मुझे पहचानने वाले बहुत कम लोग ऐसा बोलते हैं। hey! Hey, कौन है? कौन है तुम लोग? इधर क्या करते हैं? Hey, रुको! साहब हम तो सिर्फ खाना खा रहे थे। आप ए, चलिए खिलाते हैं खाना। Very smart trick. Do you have any other tricks? Madam, I am not a criminal. I was just having fun. It was just time pass. Time pass? Now you will pass your time in Dubai jail. मैंने किया, चलो। Security, switch it off. Switch the alarm off. सालों के बाद इतना एंजॉय किया है। इट्स द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। तुम्हारा जैकेट कहाँ है? वो तो होटल में रह गया। ये लो। एक बात कहूँ? दिस वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ टू। आज के बाद वी विल बी फ्रेंड्स फॉरएवर। वाह, कम से कम तुमने मुझे अपना फ्रेंड तो समझा। टू अ फ्रेंडशिप। हाँ रोहित, सोफिया से मिले? हम दिन भर साथ में थे। Good. That means you're progressing. रोहित, मुझे सब ठीक नहीं लग रहा
are no one to decide that. Tumhe jo kaha hai wo karo. Kaam jaldi ho jana chahiye. Bas. Wait. अच्छा है। हाँ वो मेरी फ्रेंड रिंकी का है। और तुम्हारा? वो तो मैं जॉब पे ही भूल आई। चलो जाकर तुम्हारा जैकेट ले आते हैं। मैं कल कलेक्ट कर लूंगी। कल क्यों, अभी चलते हैं। क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा ना कल जब जॉब पर जाऊंगी तो ले लूंगी। जॉब पे तो तुम आज भी नहीं गई थी। मैंने बर्गर किंग फोन किया था, उन्होंने तुम्हें कल ही जॉब से निकाल दिया था। You're spying on me. तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? कोई मुझ पे नजर रखे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। You're getting me wrong. मुझे तुम्हारी फिक्र थी। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है। इसलिए जब तुम आज लेट हुई तो मैंने बर्गर किंग फोन किया। I'm sorry. आओ। जानती हूँ मैं तुम्हारे बेताबी से क्यों इंतजार कर रहा था, तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए। सारी प्रिपरेशन हो चुकी हैं। मैं मैरिज ब्यूरो से फॉर्म भी ले आया हूं। हम 10 तारीख को शादी करेंगे। इतनी जल्दी? अगर तुम अभी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं शादी पोस्टपोन कर देता हूं। जरूरी नहीं है कि हम 10 तारीख को शादी करें, कोई और डेट फिक्स कर लेते हैं। नहीं, डेट पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है। आर यू श्योर? चलो फिर इन पेपर्स पर साइन कर दो। यहां भी। यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड, जाओ आराम कर लो। चलो गाइस, कल मिलते हैं। अरे विक्की, कैमरा तो लेके जा। अरे हाँ, कल तू सोफिया से नहीं मिलने जा रहा है क्या? अगर मिलना चाहेगी तो जरूर मिलूंगा। विक्की, जब तवा गर्म होना तभी ऑमलेट बना लेना चाहिए। हाँ, इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि ऑमलेट जल ही जाए। सी यू। चल। हाँ चल। What a nice surprise. Come on in. Welcome, welcome. मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? तुम्हारे जैकेट में पड़े लाइट बिल से। गॉड, कम ऑन इन। नहीं, मैं तो बस ये जैकेट लौटाने आई थी। अगर मैं घर में होता तब भी तुम यूं इसे देकर बाहर से चली जाती? आओ ना। क्या है कि मैं अकेला रहता हूं ना, तो मेरा घर थोड़ा। नहीं नहीं, तुम्हारा घर देख के तो मुझे अपना घर याद आ गया। अच्छा, ये किसकी तस्वीर है? मेरे डैडी की। कहाँ रहते हैं? चलती हूँ। सोफिया, तुम्हारी वो वाइन अभी भी पड़ी है। मेरे डैडी भी मग में ही वाइन पीते थे। अच्छा। मेरे डैडी डायरेक्ट बॉटल से ही पीते थे। वाइन और होट के बीच कुछ और है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। चल। ओह नो, नॉट अगेन। ये तुम हमेशा शूट क्यों करते रहते हो? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के हर पल को जिंदा रखना चाहता हूं। ये हसीन पल कभी थमते नहीं, लेकिन इसमें पॉज है, रिवाइंड है, फास्ट फॉरवर्ड भी है। कल जब किसी करोड़पति लड़की से मेरी शादी हो जाएगी
और दिल के कहीं किसी कोने में उदासी छाएगी, तब मैं इसे प्ले करके अपनी मायूसी दूर करूंगा। खैर तुम अपने बारे में बताओ, करण से कैसे मिली थी? 6 महीने पहले की बात है, मैं यहाँ एक क्लब में वेट्रेस थी। एक दिन एक बदतमीज ने मुझे छेड़ने की कोशिश की और करण ये सब देख रहा था। वही हमारी पहली मुलाकात हुई। नाउ इट्स माय टर्न। तुम अपने डैडी के बारे में कुछ बताते हुए रुक गए थे, बताओ ना। वो एक्टर थे, बहुत बड़े स्टार बनना चाहते थे और फिर फाइनली एक दिन स्टार बन गए। कहते इंसान मरने के बाद स्टार बन जाता है, उन्होंने आत्महत्या की। सारी जिंदगी स्ट्रगल करने के बाद उनको ना पहचान मिली, ना नाम, ना पैसा। तो मैंने सोचा कि मैं एक्टर बनकर उनका सपना पूरा करूंगा और 4 साल मुंबई में स्ट्रगल करने के बाद फाइनली मैं यहां हूं। तुम्हारे हाथ पे निशान कैसा? वो I'm sorry, I don't mean to. नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं गोवा में थी तब राकेश नाम का एक लड़का मेरे पीछे पड़ गया था, पूरा दिन मुझे फॉलो करता था। और एक दिन मैंने पुलिस में कंप्लेन करने की धमकी दी तो वो वायलेंट हो गए। इसलिए तुम दुबई आ गए और यहां तुम्हारी मुलाकात करण से हुई। वो अमीर है ना? बहुत अमीर, ही इज अ मल्टीमिलियनेयर। तो फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? अपने खर्चे के लिए मैं खुद काम करना पसंद करती हूँ। यार राइट। तुम्हें क्या लग रहा है मैं करण से उसके पैसे के लिए शादी कर रही हूं? फिर किस लिए कर रही हो? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूं। फिर यहां मेरे साथ क्या कर रही हो? मैं चलती हूं।
हेलो रोहित। बोलो विकी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं ये काम नहीं कर सकता। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? डोंट फॉरगेट तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। टू हेल विथ यू एंड योर कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारा पैसा जो है इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा। आई कांट प्ले विद दिस गर्ल्स लाइफ। काश तुमने यहाँ के बजाय यहाँ मारा होता। एक बात कहूँ? This was the best day of my life too. अरे लड़की खुद सामने से लिफ्ट दे रही है और तू है कि मना कर रहा है। यार तेरा टेस्ट कुछ अलग तो नहीं है ना? नहीं है तो हम दूर हो जाते। बकवास बंद कर। 5 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है। तो तू कहाँ उसका कन्यादान करने वाला है? इतना टेंशन क्यों ले रहा है यार? और अगर छोड़ना ही है तो कम से कम उसे सुहागरात की थोड़ी प्रैक्टिस तो करा दे यार। साले सुफिया के बारे में दोबारा ऐसी बात की ना तो। रिलैक्स यार, हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। विकी क्या तुझे से प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे सोफिया को तकलीफ पहुंचे। इनफैक्ट आज के बाद मैं उसे मिलूंगा भी नहीं। क्या लगता है? याराना लगता है। इसकी लव स्टोरी का हैप्पी एंड लाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। मेरे फोन की तो रिंग बज नहीं रही। किसे फोन लगा रही थी? वो अपनी फ्रेंड रिश्ता को। मिसेस गोम्स, आज लंच हम यहीं करेंगे। विद प्लेजर सर। ब्रिंग टू ग्लासेस प्लीज। श्योर। मेरे डैडी भी मगमई वाइन पीते थे। अच्छा। मेरे डैडी डायरेक्ट बॉटल से ही पीते थे। वाइन और होट के बीच कुछ और है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। चल। वाइन ग्लासेस हनी। हम लोग वाइन पी रहे हैं, चाय या कॉफी नहीं। करण एक बात बताओ, मेरी आंखों का कलर क्या है? ब्लैक या डार्क ब्राउन? क्या हुआ, तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। तो फिर क्या सोचा तूने? समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। एक तरफ करण है जो मुझे बहुत चाहता है और दूसरी तरफ विकी है जिसके साथ मुझे अपनापन महसूस होता है। करण मुझे खुश रखता है लेकिन मैं विकी के साथ खुश रहती हूँ। इस बात का हल अगर दिमाग से सोचेगी तो उलझनें और भी बढ़ेंगी। ये दिल की बात है, वही करना जो तेरा दिल कहे। हे
चल अब, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड यार। चल घर चलकर आराम से बातें करते हैं। फिर कभी आऊंगी, आज तो मुझे करण के साथ बीच फेस्टिवल जाना है। सोफिया, क्या है सोफिया? तीन दिन से तुम्हें फोन कर रही हूँ ना, तुम फोन उठाते हो ना करते हो, और तुम यहाँ पर हो? अरे प्रेजेंट खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा था मैं। तुम्हारी शादी होने वाली है ना? तुम मुझसे प्यार नहीं करते?
पता है मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि लड़कियों के साथ ऐसा मजाक करने की मुझे बहुत बुरी आदत है। तो उस दिन तुम्हारे घर हमारे बीच जो कुछ हुआ वो सब मजाक था? सोफिया, हेलो, कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। नाउ बी सीरियस, कोई सुन लेगा तो कहेगा कि लड़की चालू है। हाँ, कभी मूड हुआ तो हम साथ में बैठकर वाइन पी सकते हैं। क्या है ना, एक बार शादी हो जाए तो समझ लो सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद हम जब चाय मिल सकते हैं। आई डोंट माइंड। अरे यार, तुम लड़कियां हमेशा इतनी छोटी छोटी बातों पे क्यों गुस्सा करती हो? कम ऑन स्वीट हार्ट, अब सबके सामने रोकर सीन क्रिएट मत करना। सोफिया, क्या हुआ? किस बात से नाराज हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई? नहीं, गुस्सा तो मुझे अपने आप पर आ रहा है। काम डाउन सोफिया, मुझे बताओ क्या बात है। मैंने तुमसे एक बात छुपाई। क्या? उस रोज जब मैं रात को लेट आई थी तब मैं विक्की के साथ थी। कौन विक्की? जिसके साथ मैंने पार्टी में डांस किया था। मैं उसके साथ डेट पर भी गई थी, तुम्हारे साथ एंगेजमेंट के बावजूद। पता नहीं अपने आप को रोक क्यों नहीं पाई। मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया। तुमने कोई धोखा नहीं दिया। धोखा तो तब होता अगर तुम मुझसे ये बात छुपाती। गलती तो हर किसी से होती है। तुम्हारी गलती को गुनाह समझने जितना ना समझ में नहीं हूं। I love you। अगर तुम्हें और वक्त चाहिए सोचने का तो मैं शादी पोस्टपोन कर देता हूं। और अगर तुम्हारे दिल में उस लड़के के लिए अब भी प्यार है, बिलीव मी, मैं तुम दोनों को मिला दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम इतने अच्छे क्यों? औरों की तेरे गुस्सा नहीं आता? My eyes don't understand। Sweet, thank you. चले। वो अमीर है ना? बहुत अमीर। मल्टी मिलियनेयर। तो फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? अपने खर्चे के लिए मैं खुद काम करना पसंद करती हूँ। Yeah, right. तुम्हें क्या लग रहा है? मैं करण से उसके पैसे के लिए शादी कर रही हूँ। फिर किस लिए कर रही हो? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर यहाँ मेरे साथ क्या कर रही हो? Mr. Karen Oberoi, do you accept Sophia DeCosta as your lawful wedded wife? I do. And you, Sophia DeCosta, do you accept Mr. Karen Oberoi as your lawful wedded husband?
I repeat, Miss Sophia Da Costa, do you accept Mr. Karen Oberoi as your lawful wedded husband? आंखों का कलर क्या है? पब में जब तुम्हें पहली बार देखा तो तुम्हारी आंखों का रंग कॉफी ब्राउन था, फिर जब दूसरी बार देखा बर्गर किंग में तो डार्क ब्राउन लग रही थी, पर जब तुम हंसती हो ना तो डार्क ब्राउन में एक सिल्वर शेड आ जाता है, और बाप रे बाप जब तुम गुस्सा करती हो तो ट्रैफिक सिग्नल जैसा लाल हो जाती है। पागल मेरे दिल, तुझको पता है ये इश्क क्या है, मंजिल धड़कन की मंजिल, गुमसुम सदा है रब की दुआ है। बड़ा जालिम इसका जुनून, नहीं मिलता इसमें सुकून, ऐ दिल पागल मेरे दिल, तुझको पता है इश्क क्या है। जगा के जज्बात के एहसास को बहका गया। No, I don't. मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं जानती हूं तुम मुझसे प्यार करते हो। यू लव मी एंड आई लव यू टू।
सैम। हेलो सर। सर ये पिछले दो दिन की डीवीडीज हैं। सैम आज से सोफे पे नजर रखना बंद कर दो। ओके सर। एक बात पूछूं सर, आपने 3 महीने पहले हमारी डिटेक्टिव एजेंसी को हायर किया था क्योंकि आपको सोफिया की सिक्योरिटी की फिक्र थी सर, लेकिन उसने तो एक विकी नाम के लड़के के साथ अफेयर शुरू कर दिया। मैंने आपको वीडियो प्रूफ्स भी भेजे थे लेकिन इट्स माय पर्सनल मैटर, तुम नहीं समझोगे। बिल भेज देना, आई विल सेटल योर अकाउंट। ओके सर। कैसी लग रही हूं? कूल। देखा, तुम ही नहीं तुम्हारे कपड़े भी मुझे सूट करते हैं। नहीं सर, मैं ये काम नहीं कर सकता। सोफिया, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। पता है, वो तुम ही थे जो मुझे हमेशा फॉलो किया करते थे। बट आई फॉरगिव यू फॉर दैट। अगर तुम मुझे फॉलो नहीं करते तो मैं तुम्हें फॉलो करती हुई तुम्हारी जिंदगी में कैसे आती? नहीं सोफिया, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मुझे वो भी पता है, उस दिन बीच फेस्टिवल में तुमने जानबूझ के मेरा दिल तोड़ा। तुम चाहते थे कि मैं करण से शादी कर लूं, कर भी लेती अगर चर्च के बाहर तुम्हारे दोस्त सिद्धार्थ और रॉनी मुझे नहीं मिलते। तुम्हें मालूम है विकी ने तुमसे क्यों झगड़ा किया था? ताकि तुम इससे दूर चली जाओ। विकी तुम्हें बहुत चाहता है, वो चाहता है कि तुम करण के साथ खुश रहो, तुम्हारा घर बस जाए बस। चले। उन दोनों ने बताया कि मेरी खुशी के लिए तुम अपने प्यार का सैक्रिफाइस कर रहे थे। सुफ, जिसे हम चाहते हैं उसके दिल की हर बात जानते हैं। कहाँ जा रही हो? करण से मिलने। कल जो मैंने किया उस बात का करण को बहुत बुरा लगा होगा। मैं उससे माफी मांगने जा रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है वो मुझे माफ कर देगा। मुझे कल ही रियलाइज हुआ कि मैं विकी से। गेट आउट! अब क्या चाहती हो तुम? हाँ,
कल सबके सामने तुमने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने पूछा था तुमसे, एक बार नहीं कई बार पूछा था, तब तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ। करण, गेट आउट, गेट आउट। लोग कहते हैं कि मैं बहुत लकी हूं, मेरे पास सब कुछ है, बिजनेस, गाड़ी बंगला, पैसा, सब कुछ, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम मेरे पास नहीं हो। लोग कहते हैं कि तकलीफ से छुटकारा पाने का ये सबसे आसान तरीका, लेकिन देखो आज पता चला किस काम के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। देखो मेरे हाथ कांप रहे हैं, सुसाइड किया है। स्टॉप, कैन गो। करण, मुझे छोड़ दो, मुझे। प्लीज आप बाहर जाइए। छोड़ दो मुझे। नहीं जाइए। प्लीज चलिए। करण, चलिए। छोड़ दो मुझे। चलिए। चलिए प्लीज बाहर जाइए। क्या हुआ सुफिया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? करण इज डेड। व्हाट? मैंने उसे मार दिया, मेरी वजह से वो मर गया। क्या कह रही हो तुम? करण ने आत्महत्या कर ली, उसने खुद को गोली मार दी। ओह माय गॉड, ये सब मेरी वजह से हुआ है? नहीं, इस सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। तुमने कुछ नहीं किया सुफिया, ये सब मेरी और रोहित की वजह से हुआ है। मुझे रोहित को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। रोहित? कौन रोहित? विकी मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है। सुफिया,
बिलीव मी, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, मौका ही नहीं मिला। आई स्वेयर मैं ये काम नहीं करना चाहता था। कौन सा काम? कौन सा काम मुझे बताओ, कौन सा काम? मैं तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आया क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। कुछ महीनों पहले जब मैं मुंबई में एज एन एक्टर स्ट्रगल करता था, एक दिन न्यूज़पेपर में मैंने ऐड देखी। मैंने इमीडिएटली प्रोडक्शन कंपनी को अपना रेज्यूमे भेजा। 3 बार ऑडिशन होने के बाद मैं शॉर्टलिस्ट हुआ। अब फाइनली फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मेरी मुलाकात होने वाली थी। कम इन। हाय विकी, आई एम सिद्धार्थ। आई एम रॉनी। हम इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं। वैसे हम इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स भी हैं। नाइस टू मीट यू सर। और ये हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, मिस्टर रोहित श्रॉफ। यू कैन कॉल मी रोहित। ओके सर। मैंने तुम्हारा बायोडेटा और शोरील देखी है। तुमने किसी कैमरामैन को भी असिस्ट किया है? सर वो तो सिर्फ स्ट्रगल टाइम में थोड़े पैसे कमाने के लिए किया था। वेल, हमारी कहानी एक लव ट्रायंगल है। अमीर लड़का, गरीब लड़की, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। एंगेजमेंट हो जाती है, लड़की अपनी सहेलियों के लिए एंगेजमेंट पार्टी रखती है, जहां हमारे सेकंड हीरो की एंट्री है, जो बहुत ही स्मार्ट एंड हैंडसम है, और लड़की उस हैंडसम अजनबी से प्यार करने लगती है। उस हैंडसम अजनबी का कैरेक्टर तुम प्ले करोगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बुलशिट, 99% लव स्टोरीज में यही होता है। अच्छा तो आगे क्या होता है? वो तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा मतलब कहानी लिखी जा रही? नहीं, हम कहानी के बिना फिल्म बनाने वाले हैं। रियलिटी सिनेमा जो हकीकत में होता है, रियल कैरेक्टर्स, रियल लव, रियल गुस्सा, रियल आंसू, रियल पैशन। यू नो, रियलिटी में बहुत ट्विस्ट्स हैं। क्या तुम्हें यहाँ आने से पहले पता था कि तुम इस फिल्म के लिए सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं ना, दैट्स रियलिटी। यानी मैं सेलेक्ट हो गया? यस। और तुम अपने साइड की स्टोरी खुद शूट करोगे इस डिजिटल कैमरा के साथ। रानी, फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट देना। रियल हुक तो तुमने अभी सुना ही नहीं। लड़की और उसके फियांसे को एंड तक पता नहीं चलेगा कि उन पर एक फिल्म बनाई जा रही है। मतलब वो दोनों एक्टर्स नहीं है? नो। मुझे सचमुच उन दोनों का ब्रेकअप करवाना है। यही तो हमारे फिल्म की यूएसपी है। नहीं सर, मैं ये काम नहीं कर सकता। किसी की लाइफ के साथ खेलना पड़ेगा, ये तो गलत बात है। क्या गलत बात है? दुनिया में हजारों रिश्ते बनते और टूटते हैं। एक और रिश्ता टूट गया तो क्या फर्क पड़ेगा? और तू क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है जो सही गलत का फैसला करेगा? लुक विकी, तुम्हें इस काम के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे और फिल्म रिलीज होने के बाद गारंटीड स्टारडम। बी प्रैक्टिकल। अरे लोग सक्सेस पाने के लिए किसी की जान लेने से झिझकते नहीं, और तुम एक रिश्ता तोड़ने के लिए मना कर रहे हो? मुझसे ये काम नहीं होगा। सॉरी, मैंने उसकी ऑफर को ठुकरा तो दिया, लेकिन मेरी बेकारी ही मेरी मजबूरी बन गई। मुझ पर कर्जे इतने थे कि मैं मजबूर हो गया। और रोहित की ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लड़की कौन है? वो दुबई में रहती है, उसका नाम सोफिया है। और मैं रोहित, सिद्धार्थ और रानी के साथ दुबई आ गया। जिस शाम तुमने एंगेजमेंट की पार्टी दी थी, उस रोज सुबह करण ने मुझे होटल के मैनेजर और सिंगर से मिलवाया और उन्हें पैसे देकर तुम्हें मेरे करीब लाने का प्लान बताया। आई एम सो सॉरी सोफिया।
लेकिन सच्चाई यही है। तुमने अपनी फिल्म बनाने के लिए मुझे यूज किया, यानी हमारे बीच जो कुछ भी हो वो सब झूठ था। झूठ से शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मैं तुम्हें सचमुच जाने लगा। उस दिन जब तुम जैकेट लौटाने आई थी, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। और मैंने उसी वक्त रोहित से कह दिया कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता। पैसों का इंतजाम करने के लिए मैं बीच फेस्टिवल चला गया ताकि मैं मुंबई वापस लौट सकूं। कि हमारी वजह से करण ने सुसाइड कर लिया। अच्छा, हाय सोफिया। शॉक लगा ना, एक मुर्दा आदमी को चलता फिरता देखकर। यानी करण और रोहित? हाँ, दोनों मैं ही हूं, तुम्हारे लिए रोहित और सोफिया के लिए करण। बाय द वे, मेरा असली नाम रोहित श्रॉफ है। तुम्हें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं सोफिया, मैंने अपने आप को शूट नहीं किया था, वो तो मैं अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था। आई कांट लिव विदाउट यू। I'll always love you. Mind blowing. Good shot. Good. What a shot. Excellent. Yeah, huh? Shot. Excellent. Not bad. Wow. Let me just check. Arey, sab saaf karo ye. Brilliant. Wo ambulance, police officers. Wo sab actors the, junior artist. अरे मैंने तो एक्टिंग पूरी पिक्चर में की। रोनी जी प्लीज आप ये समझाइए ना, मुझे पेमेंट थोड़ी ज्यादा दे दे। हैंडल में हां मैं करता हूं, अब ये लीजिए आप। थैंक यू। यहां पे साइन ये लीजिए। वैसे इस फिल्म की मेकिंग में सिद्धार्थ और रोनी ने भी मेरी बहुत हेल्प की। अरे काश तूने यहां के बजाय यहां हमारा होता। कम ऑन स्वीटहार्ट, अब सबके सामने रोकर सीन क्रिएट मत कर। बनके तूने हम दोनों के साथ खेल खेला है, धोखा दिया हमें। धोखा? जब तुम मेरी मंगेतर के साथ सोए थे वो धोखा नहीं था? अगर सोफिया का मंगेतर मेरी जगह कोई और होता तो क्या तुम उसके साथ रक्षाबंधन के गीत गाते? तुमने मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाया। यू आर मेंटली सिक। यस आई एम मेंटली सिक। इमोशंस दिए मुझमें, मुझे तो यह भी पता नहीं कि इमोशन होता क्या है। बचपन से मुझे मां बाप का प्यार नहीं मिला, पापा पैसे कमाने में बिजी रहते थे और मां उन्हें किट्टी पाड़ी से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे बचपन से सिर्फ यही सिखाया गया कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से किसी की भी जिंदगी खरीदी जा सकती है, किसी के भी इमोशंस खरीदे जा सकते हैं। यही सुनना चाहती थी ना, हमारी ऑडियंस भी यही सुनना चाहेगी। एक्चुअली मेरे मां बाप ने मुझे ना बहुत प्यार दिया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं कुछ डिफरेंट करूं। मैं मेंटली सिक नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस है मुझमें। खैर आज तुम्हारी वजह से ना मुझे एक और अच्छा सीन मिल गया। यू नो दीज इमोशनल डायलॉग्स क्लाइमेक्स में बहुत वर्क करते हैं। ये है डिजिटल कैमरा। अगर मैं ये कैमरा यहां नहीं लगाता तो मुझे मेरी फिल्म के रोमांटिक सीन्स कैसे मिलते?
खास करके वो लव मेकिंग सीन जिसे रिपीट ऑडियंस देखने जरूर आएगी। आई स्वेयर मुझे इस कैमरे के बारे में कुछ पता नहीं था। सोफिया यू हैव टू बिलीव मी, ये घर भी इसी का दिया हुआ है। ये सच कह रहा है, इसे इस कैमरे के बारे में कुछ पता नहीं था। इसे तो ये भी नहीं मालूम कि कैमरा यहां है, हर रिकॉर्डिंग नीचे वैन में हो रही है। अगर पता होता तो तुम दोनों की लव मेकिंग इतनी रियलिस्टिक नहीं लगती, तुम्हारे एक्सप्रेशंस इतने नेचुरल नहीं होते। आओ दिखाता हूं। कितना पैशन है तुम्हारी किस में। कहते हैं प्यार में सच्चाई हो तो किस करते वक्त आंखें बंद हो जाती हैं। कभी तुमने मुझे इतने प्यार इतने पैशन से किस किया? नहीं, कर भी नहीं सकती क्योंकि तुमने मुझसे प्यार कभी किया ही नहीं। विक्की कहानी में आए उसके पहले भी नहीं। हमारे बीच तो सिर्फ थोड़ी दया, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और ढेर सारा पैसा था। तुमने सिर्फ अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए मेरे साथ प्यार का टोंग रचा है। Another excellent shot. I can't believe this. Without glycerin? Damn it! I'm a spontaneous actor. ये दूसरा कैमरा और ये रहा आखिरी कैमरा। तुम ये फिल्म रिलीज नहीं कर सकते, तुम्हारे पास सुफिया का कंसेंट लेटर नहीं है। मैंने इतनी छोटी छोटी चीज प्लान की, ये कैसे भूल गया? ऐसा हो सकता है क्या? इसने कंसेंट लेटर क्या कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, वो मैंने शादी के एप्लीकेशन के बहाने इससे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ले लिया था। यहां भी यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड, जाओ आराम कर लो। सब परफेक्ट प्लानिंग के साथ किया है। तुम्हें जो डर था कि यहां तुम्हारा पीछा गोवा का राकेश कर रहा है, वो गोवा का राकेश नहीं, मेरा हायर किया हुआ डिटेक्टिव था। बेचारे डिटेक्टिव को पता नहीं चला कि तुम पर नजर रखने के बहाने वो मेरी फिल्म शूट कर रहा है। यू नो, मेरी फिल्म में तुम दोनों का अफेयर कंटिन्यू होना बहुत जरूरी था ताकि फिल्म में मेरे कैरेक्टर को इमोशंस का फायदा मिले। लेकिन जब विक्की ने फोन करके कहा क्यों ये काम नहीं करेगा तो मुझे अपना प्लान बदलना पड़ा और मैं तुम्हें इसके पास बीच फेस्टिवल ले गया। फिर जब लगा कि तुम विक्की को छोड़कर मुझसे शादी कर लोगी तो मैंने शादी के दिन सिद्धार्थ और रोनी को तुम्हारे पास भेज दिया विक्की का सैक्रिफाइस बताने, और फिर तुम विक्की के पास चली गई और मेरा सैक्रिफाइस बैंक। क्या इमोशनल एंडिंग है, अमेजिंग। अरे तुम दोनों इतने डिप्रेस मत हो, तुम दोनों की परफॉर्मेंस पूरी फिल्म में थ्रू आउट बहुत अच्छी थी। एक दिन दिल से दुआ दोगे तो मुझे, बस अब देखना मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन कैसे करता हूं। मैं तुम्हें किसी भी तरह यह फिल्म रिलीज नहीं करने दूंगा। ऐसी कोई हरकत मत करना, यह मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर आज के बाद तुमने मेरी फिल्म मेकिंग में किसी भी तरह की रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे लव मेकिंग सीन का अनकट वर्जन इंटरनेट पर रिलीज कर दूंगा। उसके बाद तुम दोनों मूवी स्टार्स नहीं, पोर्न स्टार्स बन जाओगे।
Remember my words. You guys are gonna be big stars. रोहित, किसी फिल्म ने हर फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता हो, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। Yes, it is the first time. इतनी अप्रिसिएशन मिलेगी, I didn't expect that. सुना है फिल्म की शूटिंग के दौरान सोफिया जी को पता ही नहीं था कि वो फिल्म में है। जी हाँ, वरना आप इसे रियलिटी सिनेमा कैसे कहती? लेकिन फिल्म में आपने उन्हें बिना बताए एक किरदार बना दिया, बहुत नाराज हुई होंगी आपके साथ। Well, इसका जवाब तो सिर्फ सोफिया दे सकती है। सच कहूं, पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड और इतना अप्रिसिएशन मिलने के बाद जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे एहसास हुआ कि रोहित जितना क्रिएटिव आदमी हो ही नहीं सकता दुनिया में। रोहित मेरी जिंदगी में ना आता तो मेरी जिंदगी एकदम एमलेस थी। आज मेरी जिंदगी में एक पर्पस है, एक जज्बा है कि मैं कुछ करूं। ही गेव अ न्यू डायरेक्शन टू माई लाइफ। वैसे पब्स, डिस्क्स, पार्टीज, जहां भी देखे आजकल आप एक साथ ही दिखते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूंगी तो आप कहेंगे वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, है ना? नहीं कहूंगी, क्योंकि रोहित मेरा फ्रेंड नहीं, मेरा फियांसे है। वाओ, देन डबल कांग्रेचुलेशंस बाबा। एक आखिरी सवाल रोहित, आपकी ये फिल्म हम हिंदुस्तान के थिएटर्स में कब देख पाएंगे? बस एक लास्ट गोवा फिल्म फेस्टिवल खत्म हो जाए, उसके बाद इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड रिलीज करेंगे हम। वेल, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिलीज, फॉर योर गोवा फिल्म फेस्टिवल। थैंक यू रोहित, थैंक यू सोफिया, थैंक यू। Till next time then, this is Archana Puran Singh, saying goodbye. आज के इस अवार्ड फंक्शन में आपकी फिल्म नॉमिनेट हुई है, आपको कैसा लग रहा है? हमें पूरी उम्मीद है कि ये अवार्ड हम ही जीतने वाले हैं। हमने बहुत मेहनत की है इस फिल्म को बनाने में। हाँ, लेकिन हमने तो सुना है कि इस फिल्म को बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मिस्टर रोहित श्रॉफ का है। कंट्रीब्यूशन? रोहित का तो सिर्फ फाइनेंस था। देखिए, इस फिल्म का जो बेसिक आइडिया है ना, वो सबसे पहले मुझे हम लोग बाथरूम में से बाहर आ रहे। भूल गए, भूल गया तू, बाथरूम के हम अंदर थे, अंदर बैठे थे, और जब हम बाथरूम में बैठे थे ना, आइडिया आ गया। आप तो जानते हैं कि सबसे अच्छे जो आइडिया होते हैं वो तो बाथरूम में ही आते हैं। बाथरूम में आते हैं। अरे आते सागे। काम डाउन, रिलैक्स। अवार्ड सेरेमनी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, वहां मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। Award for the best film. I am pleased to invite a creative genius who won the Best Director's Award in the same prestigious film festival last year. I call upon Mr. Simon Mark. Thank you. It's my great pleasure to be here tonight for the 37th International Film Festival of India. And now it's my great honor to announce the winner in this year's Best Film category.
Thanks. And the award goes to Rohit Shroff for the cut. क्या कर रहा यार? पहले से लोड करके नहीं रख सकता था क्या? अरे लोड कर लिया यार, चेक कर रहा हूँ. शूट करना वरना रोहित मिस हो जाएगा. रिलैक्स कर यार, मैं कोई प्रोफेशनल शूट करने वाला थोड़ी हूँ. चल शूट कर. तो इस गन से तुमने फायर किया था? जी, लेकिन सर इसमें तो नकली गोलियां थी. मैं जानता हूं इसके अंदर नकली गोलियां थी, तो फिर रोहित को असली गोलियां कैसे लगी? अच्छा ये बताओ, तुमने नकली गोलियां क्यों चलाई? सर क्योंकि रॉनी और सिद्धार्थ ने कहा, इसलिए ये गन भी उन्होंने दी थी. सिद्धार्थ और रॉनी कौन है? सर वो दोनों इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं. ये सब उन्हीं का आइडिया था. अवार्ड्स में दुनिया भर की मीडिया प्रेजेंट होगी. जैसे रोहित स्टेज पर जाए अपना अवार्ड लेने, तुम अपना नकली गन निकालना और उसे गोली मार देना. वो गिर जाएगा. लोग समझेंगे कि रिवेंज के लिए तुमने रोहित को मार दिया. पूरे हॉल में केओस हो जाएगा, लेकिन फिर रोहित खड़ा हो जाएगा और लोगों को सरप्राइज देते हुए कहेगा कि ये सिर्फ एक स्टंट था. जा. रोहित को ये सब पता है? तू घबरा मत, रोहित को सब पता है. हाँ. 15 दिन बाद फिल्म रिलीज होने वाली थी और उसके लिए ये एक पब्लिसिटी स्टंट था. आप चाहे तो उन दोनों से पूछ सकते हैं. ये कैमरा आप लोगों का है? जी हाँ, ये कैमरा हमारा है. ये गन भी आप लोगों की? नहीं, ये गन हमारी नहीं. सर हमने लाइफ में कभी रियल गन देखी ही नहीं. हाँ. जिस गन को तुमने कभी देखा नहीं, उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आए? फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से रोहित को जो बुलेट लगी और इस गन से जो बुलेट चली, वो दोनों सेम है. हमें परेशान करने के बजाय आप विकी से क्यों नहीं पूछते? हाँ, अब तक तुम दोनों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज था, लेकिन अब दफा 302 मर्डर का चार्ज लग गया है. रोहित की डेथ हो गई है. सर प्लीज बिलीव अस, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है. सर देखिए, हम कोई आलतू फालतू लोग नहीं है. अगर कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है तो हमें प्रूफ चाहिए. प्रूफ?
पहले से लोड करके नहीं रख सकता था क्या? अरे लोड कर लिया यार, चेक कर रहा हूँ, चल लोड कर, जल्दी शूट कर यार वरना रोहित मिस हो जाएगा। रिलैक्स कर यार, मैं कोई प्रोफेशनल शूट करने वाला थोड़ी हूँ, शूट कर यार। अंगूठी देख रहे हो? ये अंगूठी तुम्हारी, ये हाथ भी तुम्हारा, ये कैमरा भी तुम्हारा, तो ये गन किसी और की कैसे हो सकती? तुमने विकी को नकली बुलेट्स दी और खुद साइलेंसर वाली गन का इस्तेमाल किया। तुझे पता है तूने क्या किया? साले तुझे मुझे बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं तूने मुझे? तुम लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैंने कुछ नहीं किया। शट अप। वो था अंडर अरेस्ट, ओके? सर सुनिए। आत्रे। ओ सर। देखिए सर। क्यों जाए ना? सर एक मिनट हमारी बात तो सुन लीजिए सर। सर। He's dead. I know. Let's go. Come on. न्यूज़पेपर। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, हाँ मैं पढ़ता हूँ। खोल 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 खोल। अरे हमारी फिल्म नकाब का प्रीमियर होने जा रहा है और उसकी एडवांस बुकिंग पूरी फुल है यार। तेरी, सब तेरी गलती है। अगर तूने रोहित को गोली नहीं मारी होती तो हम इस प्रीमियर में होते। अबे तुझे कितनी बार कहा कि मैंने ऐसे गोली नहीं मारी, नहीं मारी मैंने ऐसे गोली, नहीं मारी मैंने ऐसे गोली। अब मुझे मारेगा क्या? अबे कहाँ देखना है? डील इज अ डील। क्या कह रहे पैसों का? मैं अपने पोते के लिए कट। यू नो कल तुम कट अगेन मैं वहीं ऐड हूँ। भरोसा नहीं? शिट किया। नाइलो भूल गई। बार बार यही कर रहा हूँ।
I didn't sing. Oh, oh. One, two, three. अरे तुम्हें तो मिलेगा। इसे थोड़ा नहीं मिल। कैसा कैमरा? है
ये बातें दिल तो ना कह सका।